दैनिक राशिफल चंद्र ग्रह की गणना पर आधारित है। राशिफल निकालते समय पंचांग की गणना और सटीक खगोलीय विश्लेषण किया जाता है। दैनिक राशिफल में सभी 12 राशियों का भविष्यफल बताया जाता है। इस राशिफल के वीडियो को देखकर आप अपनी दैनिक योजनाओं को सफल बनाने में कामयाब रहेंगे। आज के राशिफल में आपके लिए जॉब, व्यापार, लेन देन, परिवार और मित्रों के साथ संबंध, सेहत और दिन भर में होने वाली घटनाओं का भविष्यफल होता है। चलिए बताते हैं क्या कहती है आपकी राशि। बता दें आपको इन राशियों को बहुत ज्यादा लाभ मिलने वाला है। आगे बढ़ने से पहले बता दें आपको हमें पूरी जानकारी वेबसाइट और अन्य जगहों से प्राप्त हुई। चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। आज का दिन आपके लिए मिला जुला रहेगा। आज आपको बड़ों के आशीर्वाद से शुरू किए गए कार्यों में सफलता और लाभ मिलेगा। भाई बहनों के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा और उनसे सुखदायक समाचार भी मिलेगा। जोखिम भरे निवेशों में भाग्य का पूरा साथ मिलेगा और आय के साधनों में वृद्धि भी होगी। उच्च प्रतिष्ठित लोगों के साथ संपर्क बनेंगे जिनसे भविष्य में फायदा होगा। विदेश संबंधी कार्यों में प्रगति होगी। नए व्यवसाय या व्यवसाय विस्तार के लिए निवेश अत्यंत शुभ रहेगा। घर के सदस्य कामना पूर्ति में विलंब होने पर गुस्सा करेंगे लेकिन पूर्ति होने के बाद उत्साहित भी रहेंगे। कार्य में सफलता प्राप्त हो सकेगी। आज आपकी अपने जीवन साथी व संतान से किसी बात पर बहसबाजी हो सकती है। जॉब से जुड़े जातकों का भी आज अधिकारियों से कुछ मतभेद हो सकता है, इसलिए बहसबाजी में ना पड़े और अपने कार्य पर फोकस रखें। व्यापार के लिए की गई ट्रैवल उत्तम फलदायक रहेंगी। आज आपका सामाजिक क्षेत्र भी बढ़ा हुआ दिखेगा जिसमें आपकी ख्याति चारों ओर फैलेगी। चलिए बात करते हैं अगली राशि वृष राशि वालों की। बता दें आपको आज का दिन आपके लिए आनंददायक रहेगा। यदि साझेदारी से कोई व्यापार चल रहा है तो आज उसमें आपको उत्तम लाभ प्राप्त होगा जिससे आपका दिन आनंद में व्यतीत होगा। लेकिन आज सेहत कुछ नरम रह सकती है जिससे कार्य में मन नहीं लगेगा। प्रेम जीवन में नवीनता व मधुरता आएगी। विद्यार्थियों को शिक्षा के क्षेत्र में कुछ अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है। परिवार में यदि कोई तनाव चल रहा था तो उससे आज राहत मिलेगी। आज आपको अपने पिताजी की सलाह की आवश्यकता होगी। परिवार में चल रहे तनाव से आज आपको राहत मिलेगी। सायंकाल के समय आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। चलिए बात करते हैं अगली राशि मिथुन राशि वालों की। आज का दिन आपके लिए मिश्रित परिणाम लेकर आएगा। आसपास की व धार्मिक स्थान की ट्रैवल पर जाने से आज आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। व्यापार में यदि कोई डील लंबे समय से रुकी हुई थी तो वह आज फाइनल हो सकती है। आज आप अपने लिए कुछ शॉपिंग भी कर सकते हैं जैसे नया मोबाइल, नए कपड़े इत्यादि। ससुराल पक्ष से रिश्ते मजबूत होंगे। सायंकाल का समय आज आप अपने परिवार के छोटे बच्चों के साथ मौज मस्ती में व्यतीत करेंगे। चलिए बात करते हैं अगली राशि कर्क राशि वालों की। आज का दिन आपके लिए काफी लाभदायक रहने वाला है। आज सुबह से ही आपको लाभ के नए नए अवसर प्राप्त होंगे जिसमें आप परिवार के सभी सदस्यों की फरमाइशें भी आसानी से पूरी कर सकेंगे और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकेंगे जिससे आपको भविष्य की चिंता कम होगी। वह अच्छे प्रस्ताव आएंगे। सायंकाल का समय आज आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर विचार विमर्श कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगली राशि सिंह राशि वालों की। आज का दिन आपके लिए उत्तम फलदायक रहेगा। यदि आप कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो उसके लिए दिन उत्तम रहेगा। ऑफिस में सहकर्मियों के साथ थोड़ा सा व्यवहार आपको अच्छा नहीं देखने को मिलेगा। रचनात्मक कार्य को पूरा करने के लिए आज पास बादूर की ट्रैवल का प्रसंग प्रबल होगा। शत्रु आपको परेशान करने की भरपूर कोशिश करेंगे। आज आपका कोई पुराना सहयोगी आपसे मदद मांग सकता है। आज आप अपने जीवन साथी के लिए कोई उपहार खरीद सकते हैं जिसमें वह खुश नजर आएंगे। चलिए बात करते हैं अगली राशि कन्या राशि वालों की। आज का दिन आपकी पद व प्रतिष्ठा में वृद्धि भरा होगा। आज कुछ ना करने पर भी आपका व्यक्तित्व बढ़ा हुआ रहेगा। आज आपके धन कोष में वृद्धि होगी और आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूती मिलेगी। ससुराल पक्ष के किसी व्यक्ति ने यदि आपका धन उधार लिया होगा तो वह भी आज आपको वापस मिल सकता है। विद्यार्थियों को भविष्य की रणनीति पर कार्य करने का अवसर मिलेगा। संतान के विवाह में यदि कोई समस्या आ रही थी तो वह भी आज समाप्त होगी। आज आप अपने भाई की मदद करने के लिए आगे आएंगे और बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा, उनकी सेवा का अवसर भी मिलेगा।
चलिए बात करते हैं अगली राशि तुला राशि वालों की। आज का दिन आपके लिए कुछ उन्नति भरा रह सकता है। ऑफिस में भी आज आपके अधिकारी आपकी बात सुनेंगे और आपके सुझावों पर अमल करेंगे, जिसे देखकर आपको खुशी होगी। कार्य क्षेत्र व घर के सभी कार्य भी आज आसानी से बनते चले जाएंगे। कारोबार में पिछले कुछ दिनों से बंद पड़ा हुआ माल भी दिखना शुरू हो जाएगा। सायंकाल का समय आप अपने मित्रों और परिजनों के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे। छात्रों को किसी प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलने से आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। रोजगार की दिशा में कार्यरत लोगों के प्रयास सफल होंगे। चलिए बात करते हैं अगली राशि वृश्चिक राशि वालों की। आज का दिन आपके लिए उत्तम सफलता दिलाने वाला रहेगा। जॉब से जुड़े लोगों पर अधिकारियों की कृपा दृष्टि बनी रहेगी। परिवार का वातावरण आपकी अनदेखी की वजह से आज बहुत ज्यादा घर परिवार में खुशनुमा माहौल रहेगा। यदि संपत्ति संबंधित तो कोई कानूनी मामला चल रहा था तो वह भी आज आपको सफलता दिला सकता है। थोड़ा सा अनबन घर परिवार में आपकी अनदेखी की वजह से हो सकता है। आर्थिक दृष्टिकोण से आज दिन बेहतर रहेगा। संतान की उन्नति से मन में हर्ष रहेगा। परिवार में आज किसी अतिथि का आगमन हो सकता है। घर परिवार में संतान की उन्नति से मन में हर्ष रहेगा। आज आप अपनी सुख सुविधाओं पर भी कुछ धन खर्च करेंगे, लेकिन आपको अपनी आय और व्यय दोनों में संतुलन बनाकर चलना होगा। चलिए बात करते हैं अगली राशि धन राशि वालों की। आज का दिन लाभदायक रहेगा। आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। लव लाइफ में मधुरता आएगी। दाम्पत्य जीवन सुखमय रहेगा। सायंकाल का समय व्यापारी वर्ग के लिए सुखद रहेगा। भविष्य से संबंधित समाचार आज सुनने को मिल सकता है। सायंकाल का समय व्यापारी वर्ग के लिए सुखद रहेगा। चलिए बात करते हैं अगली राशि मकर राशि वालों की। आज आप जिस भी कार्य को करने का मन बनाएंगे उसमें प्रारंभ में कुछ बाधा आएंगी, लेकिन बाद में वह पूर्ण होगा। कार्य क्षेत्र की गतिविधियां आपकी सोच के विपरीत रहेंगी। सहकर्मी या कर्मचारी आपके अनदेखी का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अपनी बुद्धि बल से आप सभी चुनौतियों को आसानी से पार कर लेंगे। आज आपको कार्यालय में कुछ अधिक कार्य दिया जा सकता है, लेकिन घबराए नहीं, मेहनत से आप सभी कार्य समय से पूरा कर देंगे, जिससे आपके अधिकारी आपसे खुश नजर आएंगे। चलिए बात करते हैं अगली राशि कुंभ राशि वालों की। आज का दिन आपके लिए मिश्रित परिणाम लेकर आएगा। राजनीति से जुड़े लोगों को आज उन्नति के विशेष अवसर प्राप्त होंगे। राजकीय पक्ष से व्यापार कर रहे लोगों को धन के साथ साथ आमदनी में बढ़ोतरी के भी अवसर प्राप्त होंगे। सायंकाल का समय आज आप देव दर्शन में व्यतीत करेंगे। परिवार के सदस्यों की जरूरतों को पूरा करने के लिए भी लिस्ट बनाएंगे। यदि आपका कोई कार्य लंबे समय से रुका हुआ था तो वह भी आज पूरा हो सकता है, जिसे परिवार में लोग भी खुश नजर आएंगे। आज आप अपने रुके धन को प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे, जिसमें कामयाब भी रहेंगे। चलिए बात करते हैं अगली राशि मीन राशि वालों की। आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। भाई बहनों के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा। विदेश में व्यापार कर रहे लोगों को बता दें आपको, उनके लिए बहुत ही अच्छा समय है। व्यापार में यदि कोई जोखिम उठाना पड़े तो अवश्य उठाएं, इसका भविष्य में आपको भरपूर लाभ मिलेगा। यदि कोई मकान व दुकान खरीदने का विचार बना रहे हैं तो वह भी आज पूरा हो सकता है। आज परिवार में छोटे बच्चे आपसे कुछ फरमाइशें करते नजर आएंगे, जिन्हें आप पूरा करेंगे। आय के साधनों में भी आज वृद्धि होगी। बता दें आपको हमें पूरी जानकारी वेबसाइट और अन्य जगहों से प्राप्त हुई है। ये जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। नेक्स्ट शाइन स्पेशल रिपोर्ट।